बॉर्बन बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 50 ग्राम, यहाँ पर 40 ग्राम जितनी मैंने शुगर ली है, और ये थोड़ा सा घी लिया है जो बेकरी के लिए यूज़ किया जाता है, और ये थोड़ा सा मैदा मैंने 50 ग्राम्स जितना मैदा लिया है, और 5 ग्राम जितना मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड करके मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस जो घी है उसको अच्छे से मेल्ट करेंगे, उसका टेक्सचर चेंज करेंगे, उसको इसकी क्रीमिंग होती है, जैसे कि बेकरी में अगर हम बनाते हैं किसी बिस्किट को तो उसे क्रीमिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर क्रीमिंग करेंगे। हमें जिस तरीके से अभी मैं हाथ को राउंड राउंड घुमा रही हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा दबा के और उंगलियों के बीच में थोड़ी सी जगह रख के राउंड राउंड घुमाते रहना है। ऐसा करने से इसके अंदर हवा जाती है और ये जो घी है उसका कलर है येलो से वाइट चेंज हो जाता है और एक क्रीम के फॉर्म में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम इस तरीके से करते रहेंगे, और हाथ में चिपकने लगे तो हम कटर से या किसी और चीज़ से इस तरीके से फिर से मिक्स कर लेंगे, और अपने हाथों पर भी जो चिपका हुआ है घी उसी को भी अच्छे से निकाल लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। इस तरीके से क्रीमिंग करते जाइए, और अब आप देख सकते हो जो घी था उसका टेक्सचर अभी चेंज हो चुका है, और इस तरीके से अगर हाथ में चिपक जाता है तो उसको निकाल लीजिए और फिर से उसकी क्रीमिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास घर में बीटर हो तो आप बीटर से भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर, हमारी क्रीमिंग रेडी हो चुकी है, घी वाइट हो चुका है, तो अब मैं इस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी शुगर लेके, जो अगर हम घर में बनाते हैं तो हमारे घर में जो शक्कर होती है, शक्कर को मिक्सी में पीस लीजिए और उसके जो दाने होते हैं उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसको छान लीजिए छन्नी से, और उस दाने को, उस शुगर को इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और घुमाते जाएंगे, और अगर हाथ में चिपकता है तो फिर से इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करते जाइए और क्रीमिंग करते रहिए। और क्रीमिंग तब तक करना है जब तक ये हमारा जो टेक्सचर है वो एकदम फ्लपी ना हो जाए और सारी शुगर इसके अंदर चली जाए। तब तक शुगर मैंने यहाँ पर 40 ग्राम जितनी ली है, और मैदा मैंने 50 ग्राम लिया था, और ये जो मेल्टेड जो घी है वो भी मैंने 50 ग्राम लिया था। तो आप इस तरीके से मेज़रमेंट रखें, क्योंकि यहाँ पर मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कॉर्नफ्लावर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। तो मैदे के अंदर ही मैंने कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर लिया था जो 5 ग्राम जितना था कॉर्नफ्लावर। तो आप उसे, कॉर्नफ्लावर जो है वो हमारी बिस्किट्स को क्रिस्पी बनाएगा, तो आप क्रिस्पी बनाना चाहते हो अगर बिस्किट को तो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकती हो। तो अभी तो मैं शुगर और घी को ही इस तरीके से मेल्ट करूँगी, और क्रीमिंग करने में मिनिमम अगर हाथों से करते हैं तो मिनिमम हमारा 45 मिनट जितना टाइम लग जाता है। अगर आपके पास बीटर है, बीटर से करते हो तो 15-20 मिनट में रेडी हो जाता है, बट हम लोग ज़्यादा हाथों से करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हाथों से इस घी का, जो बेकरी का घी है, उसकी क्रीमिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से मैं, आप देख रहे हो इस तरीके से सारे जो शुगर है उसकी हम क्रीम बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पर कोको पाउडर, मैदा, मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर, उन सारी चीज़ों को, और थोड़ा सा सॉल्ट, उन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने क्रीमिंग कर लिया था, उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए फिर से क्रीम करूँगी, जिससे पानी इसके अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको क्रीमिंग करते ही जाना है, जिससे क्रीमिंग एकदम सॉफ्ट हो जाए। चार पाँच मिनट के बाद हमारी क्रीमिंग रेडी हो चुकी है इस तरीके से। तो इसको मैं फिर से एक बार कर लेती हूँ, और फिर से इसे और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तब तक कर लेते हैं। इसको करने में 5 या 10 मिनट लगती है, तो 5-10 मिनट इसको फिर से करें, और फाइनली हमारी क्रीम यहाँ पर रेडी हो गई है। और अब मैं यहाँ पर डालूँगी फूड कलर, जो डार्क चॉकलेट कलर का है, और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस और थोड़े से पानी के ड्रॉप्स, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक दूसरे के अंदर मेल्ट कर लेंगे, और इसकी क्रीमिंग फिर से 5 मिनट के लिए करेंगे, और इसको अच्छे से एक दूसरे के अंदर मिक्स कर लेंगे।
अब हमारी क्रीमिंग रेडी हो चुकी है। तो हमने जो आटा रेडी किया था, जो मिक्सचर है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर और एक सॉफ्ट डो बना लेते हैं। अगर आप यहाँ पर मिल्क पाउडर यूज़ ना करें, आपके पास घर में ना हो, तो आप इसके जगह पे दूध का इस्तेमाल कर सकते हो और पानी को भी स्किप कर सकते हो। पानी की जगह पे आप दूध का इस्तेमाल करें और हमारा डो रेडी है। यहाँ पर मैंने डो को जो रेडी किया था उसको अच्छे से बेल लिया है, इस तरीके से बेलन से। और अगर आप घर में बना रहे हो तो आप नीचे बटर पेपर लगा दीजिए और बटर पेपर के ऊपर डो रख के दूसरा उसके ऊपर बटर पेपर रख दीजिए और बेलन से इसको अच्छे से पतला पतला बेल लीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नीचे डस्टिंग की है बहुत सारी, और ऊपर से जो बेलन है उसके ऊपर भी मैंने डस्टिंग लगा के इसको बेला है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। आप देख सकते हो वीडियो में मैं डस्टिंग लगा रही हूँ बेलन पे और फिर से बेल रही हूँ। इस तरीके से आप पतला पतला बेल लीजिए। अब यहाँ पर मैंने इसको राउंड शेप में कट किया था, तो अब हम इसको स्क्वायर शेप में लाएंगे। तो साइड की जो भी साइड से उसको हम इस तरीके से दूर कर लेंगे और एक स्क्वायर शेप बना लेंगे, और जिस शेप में आपको चाहिए बिस्किट उस शेप के अंदर हम कट कर लेते हैं। बोरबोन की बिस्किट हमेशा स्क्वायर शेप में आती है, तो हम उसी शेप के अंदर काटेंगे। आप देख सकते हो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे बिस्किट्स के अंदर मैं डॉट्स बना रही हूँ छोटे छोटे। मैं एक गोल लकड़ी से कर रही हूँ, आप भी इस तरीके से करें जिससे बोरबोन बिस्किट जैसे ही सेम बिस्किट हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी बिस्किट्स पे इस तरीके से डॉट डॉट बना लेती हूँ। अब हमारे यहाँ पर सारी स्लाइड्स रेडी हो चुकी हैं, तो अब इसके ऊपर मैं शुगर स्प्रेड कर रही हूँ। शुगर को अच्छे से दबा दबा कर स्प्रेड करें जिससे वो बेक होने के बाद जल्दी से ऊपर से निकल ना जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दबा देती हूँ। और हमारे यहाँ पर सारी शुगर स्प्रेड हो चुकी है गाइस। जब हम इसको बिस्किट्स को बेक करने के लिए रखते हैं, तो मैंने प्री हीट के लिए ओवन को रेडी कर लिया था। प्री हीट के लिए मैंने 150 डिग्री के तापमान से उसको 10 या 15 मिनट के लिए प्री हीट किया है। तो आप भी उस तरीके से पहले प्री हीट कर ले, उसके बाद ही बिस्किट्स को ओवन में रखें। तो अब मैं यहाँ पर सारी बिस्किट्स को रेडी कर चुकी हूँ और इसको मैं रख लूँगी अब ट्रे के अंदर। तो अब धीरे धीरे से सारी जो बिस्किट की स्लाइड्स हैं उसको निकालें और वो जो हमारी ट्रे है उसके अंदर रख लीजिए। अब मैंने बिस्किट की ट्रे को ओवन में रख दिया है, उसको 170 डिग्री और 30 मिनट के लिए रख दिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने ओवन से ट्रे निकाल ली है और सारी बिस्किट्स रेडी हो चुकी हो है, आप देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्रीम के लिए लिया है 10 ग्राम जितना घी लिया है, और जैसे हमने आगे घी को सॉफ्ट किया था वैसे ही घी को राउंड राउंड घुमाकर, जैसे क्रीमिंग करते हैं वैसे ही घी को घुमाकर सॉफ्ट कर लेना है। तो आप वीडियो के अंदर देख सकते हो मैं घी को इस तरीके से घुमाकर उसको सॉफ्ट कर लेती हूँ, और 10 मिनट के बाद हमारा घी सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने ली है आइसिंग शुगर, और इसका इस्तेमाल हम केक बनाने के लिए और क्रीम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसी शुगर को मैं थोड़ा थोड़ा लेकर घी के अंदर डालूँगी और फिर से हम क्रीम बनाएंगे। और यहाँ पर हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने डाला है फूड कलर जो ब्राउन शेड का है, और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस और 1/4 टीस्पून जितना कोको पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और फिर से क्रीमिंग करेंगे। और हमारा क्रीमिंग 10-15 मिनट के बाद रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हाथों में चिपक रहा था, तो उसको अच्छे से क्लीन करके फिर से क्रीमिंग कर रही हूँ और क्रीम हमारी रेडी कर लेते हैं। और हमारी क्रीम यहाँ पर बनके रेडी है।
अब हमारी क्रीम भी रेडी हो चुकी है और बिस्किट को भी हमने ओवन से निकाल लिया है। तो इसके ऊपर मैंने इस तरीके से क्रीम लगाई है और उसके ऊपर मैंने दूसरी बिस्किट टैप की है। और ज़्यादा प्रेस ना करें क्योंकि बिस्किट टूट जाएगी। अभी थोड़ी सी गर्म है तो इसको थोड़ा 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्रंची और क्रिस्पी हो जाएगी। तो उसको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए साइड में इस तरीके से क्रीम भर के रेस्ट के लिए रख दीजिए और सारी बिस्किट रेडी कर लीजिए।